प्रणाम सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 12 को पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण को का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और कमेंट अवश्य करें, और जो भी सुंदर साथ के साथ आप जुड़े हुए हों उन सबको यह वीडियो अवश्य शेयर करें, ताकि उन सबको भी इस वाणी का लाभ मिल सके। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सांभलो साथ मारा सिरदार, वचन कहूँ ते ग्रहो निर्धार, एटला गुण आपन सुं करी, बैठा आपन मा माया देह धरी। इंद्रावती कहती है, हे मेरे शिरोमणि सुंदर साथ जी, मेरे वचनों को सुनो और उन्हें ठीक से ग्रहण करो। सतगुरु धनी ने इतने अधिक उपकार किए हैं कि लौकिक देह धारण कर वे सुंदर साथ के बीच आकर बैठ गए। परम भाजो वचन जोई करी, निंद्रा घेन मुको परहरी, श्री धाम तणा धनी कहवाय, ते आवी बैठा आपन माय। सतगुरु के वचनों पर विचार कर भ्रम को दूर करो, निंद्रा और अज्ञान के नशे का त्वरित त्याग करो। सतगुरु धाम के धनी कहे जाते हैं, वे हम सब के बीच आकर विराजमान हुए हैं। हवे सेवा कीजे अनेक विध करी, अने आपन काजे आव्या फरी, वली अवसर आव्यो छे हाथ, चेतन करी दीधो प्राणनाथ। अप सतगुरु की सेवा शुश्रूषा अनेक प्रकार से करें, क्योंकि वे हम सुंदर साथ के लिए पुनः पधारे हैं, पुनः हमारे हाथ में सेवा का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। प्राणनाथ सतगुरु ने हम सबको सचेत कर दिया है। ऊपर हवे सू कहूँ, श्री बालाजी ना चरण ज ग्रहूँ, कर जोड़ी करूँ विनती, अने अलगी न थाऊँ चरण थकी। अब इस विषय पर अधिक क्या ही कहूँ, प्रियतम धनी के चरण पकड़ती हूँ तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके चरण कमलों से कभी भी अलग न हो। प्रकरण 13 चौपाई 331। जाटी भाषा में प्रबोध। मुंजा अंध अभागी जीव जोर रे, तू की सूतो हित, पर धनिए जगाइया, तो के घर न सूझे कीत। इंद्रावती कहती है, हे अंधा एवं अभागी जीव, तू यहाँ इस मायावी संसार में सो क्यों गया? विभिन्न प्रकार के उपदेश देकर धाम धनी ने तुझे नींद से जगाया, फिर भी परम धाम कहाँ है तुझे नहीं सूझा? अगेनी तू कुरो केयो, झड़े पीरी हलिया शाणे, से अनजान उठिए अकर्मी, भूंडा सूते हित के ही सांगाय से। सतगुरु की उपस्थिति में तूने क्या किया, वे तो परमधाम चले गए। इतना ही नहीं, हे जीव तू भाग्यहीन है और अब भी जागृत नहीं हो रहा है। हे दुष्ट, किस परिचय के कारण तू मोह निंद्रा में सो रहा है? पर पोते जी निहार तू निखर, वलहो न डे से अंजा छेह, अवगुण न डी से पाही जा, पीरी मेहर करी वरी एह। हे जड़ जीव तू अपनी ओर तो देख, प्रियतम ने अब भी तुझे अलग नहीं किया है, तू अपने अवगुणों को नहीं देखता है।
रामधनी से फिर से तुझ पर कितनी दया की है। भीर का पीरी तो कारण आया माया मंज, कौन सुजाने सी परी न ता थींदिये डूरण डज। धनी जी तेरे लिए इस मायावी संसार में दूसरी बार आए, यह सब देखने पर भी तू धाम धनी को क्यों पहचान नहीं पाता, अन्यथा तुझे अत्यंत दुख का अनुभव होगा। प्राण पाही जो पस तू अंख उघाड़े न्याहार, खीण पाणी जी परख पध पथरी हीन तारतम महे विचार। हे जीव तू अपने आप को पहचान, अंतर की आंखें खोल कर देख, दूध और पानी अर्थात ब्रह्म और माया को परखने के लिए तू तारतम ज्ञान के रहस्य पर विचार कर। अगेनी अखियों फूटियों भूंडा हाणे तू की कसांगाय, ही जोगवाई हथ न रेहंदी पोए पर न थींदिये काय। इससे पहले जब सदगुरु धनी पधारे तब भी तेरी आंखें फूट गई थी, अर्थात तूने उन्हें देखने पर भी अनदेखा कर दिया। हे पापी जीव, मानव शरीर रूपी यह साधन सदैव तेरे हाथों में नहीं रहेगा और इस शरीर के छूटने के बाद कुछ भी होने वाला नहीं है। अगेनी अकर्मी थेयो भूंडा हाणे तू पाण संभार, पीरी ग पले पले तो के थका भूंडा अजान बरे तो के सार। पहले तो तू अकर्मी बना हुआ था, हे दुष्ट जीव अब तो अपने आप को संभाल, धाम धनी तुझे समझाते हुए थक गए। हे पतित अब भी तुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। बभीर का पीरी तो कारण हाणे आया माया मंज, धाव पाई दे पीरी बभीर का तो के थीण आई संज। तेरे लिए अब दूसरी बार धनी जी माया में पधारे हैं, धनी जी दूसरी बार पुकार कर रहे हैं, तेरी आयु का संध्या समय आ पहुंचा, तू किनारे पर बैठा हुआ है, अब तो कुछ विचार कर। अंग मरोड़े न उठिए पासे फजर पसी ही मंज, पोए कारी रात में की न सूझे सेता डूखे सदानी डंज। यदि तू अंग मोड़ कर खड़ा नहीं होगा तो आत्म जागृति का समय तेरे हाथ से निकल जाएगा, इसके बाद संसार रूपी काली रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह संसार तो दुख का ही रूप है। तारतम तू ता निहार विचारे जा पीरी आंदो तो कारण, हेतरा भट बरंदे मथे तो के अंजासान बंजे धारण। मोजा अंध अभागी जीव जोर रे भूंडा हित सोते के ही सांगाय से। हे जीव तू तारतम ज्ञान के वचनों पर ठीक से विचार कर ले, धाम धनी तेरे लिए ही यह ज्ञान लाए हैं। तेरे सिर पर विरह वेदना की आग जल रही है, तथापि अभी तक अज्ञान रूपी नींद का नशा उतरा नहीं है। हे मेरे अंधे भाग्यहीन जीव, तू अत्यधिक नशे में क्यों डूबा हुआ है। प्रकरण 14 चौपाई 341। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती का प्रकरण 13 और प्रकरण 14 पूर्ण होता है। आगे का प्रकरण हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। प्रणाम जी।